मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्वालियर नगर निगम के नेतृत्व में मदाखलत द्वारा महाराज बाड़े पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाई की गई और महाराज बाड़े पर ठेलों और फर द्वारा घेर कर जहां पर व्यापार करने वालों की जानकारी नगर निगम को मिल रही थी। इस जानकारी के आधार पर नगर निगम मदाखलत द्वारा आज महाराज बाड़े पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक ठेला चालक युवक ने कार्रवाई का विरोध करते हुए खड़ा ठेला पटक दिया और कार्रवाई में व्यवधान डालने का प्रयास करने लगा, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कंपू क्षेत्र में हाकस जोन होने के बाद भी रोड पर ठेले दिखाई देते हैं। लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाती है, पर इसके बावजूद भी जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है। क्या कार्रवाई की आपने? जो मदाखलत में आज स्थायी अतिक्रमण की कार्रवाई है, उसके द्वारा लगातार की जा रही है और जो नहीं मान रहे हैं उनका सामान जब्त किया जा रहा है। दुकानदारों को आरोप है कि अलग अलग कर्मचारी इनसे पैसा लेते हैं, उसके बाद उनका सामान उठा के ले रहे हैं। नहीं, आरोप तो खैर कोई कुछ भी लगातार है, नगर निगम अपना काम कर रहा है। लगातार अतिक्रमण स्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होती रहती है। बड़े पे जो कुछ रोडों पे अभी भी लगे हैं, छापा खाने के सामने लगे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बाकी दो लोगों पे क्यों कार्रवाई हो रही है? अभी यहाँ से गाड़ी घूम के छापा खाने पे ही जाएगी, छापा खाने का सामान जब्त होगा। वॉइस ऑफ राइट के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर CBSE दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष,
20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246, 7225964184, 7987123623।